हेलो दोस्तों, आज केवल 10 रुपए के शेयर ने कर दिया कमाल। तो आज हम उसी शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले, हाँ दोस्तों, एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि दोस्तों, मैंने बताने वाला हूँ कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज होने से पहले मैंने बताया था। अब पहले बताया था उसके लिए तो आपको प्रूफ देखना है, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये वीडियो जस्ट मैंने जो है 8 आवर्स पहले अपलोड किया था, और साफ साफ था दोस्तों, छोटा शेयर बड़ा धमाका, छोटा शेयर बड़ा धमाका। आपके सामने वीडियो प्ले करके दिखाता हूं, सकते हो अपने पोर्ट। 1 मिनट। तो दोस्तों आज एक ही नहीं, मैं 2 धमाकेदार स्टॉक बताने वाला हूं, एक का बाद गया दोस्तों, दो डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। तो आपके सामने सबसे पहले तो मैं डेट दिखाना चाहता हूं प्रूफ के तौर पे, यहां पर देख सकते हो दोस्तों 3 फरवरी है यहां पर, ठीक है। और उसके बाद वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं क्या मैंने बोला था या नहीं बोला था, क्योंकि वीडियो के अंदर भी बहुत लोग मे बी मे नॉट बी में जो है लोगों को फंसा देते हैं, तो वो भी अलग बात होता है। तो देख लीजिए आप अपने आंखों से, तभी बिलीव कीजिएगा। हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही छोटे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। तो अगर आपने नहीं खरीदा तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा तो कम से कम पैसा आप लगा सकते हो, अपने पोर्टफोलियो के कोने कोने में रख सकते हो। स्टॉक बहुत ही तो मैंने क्या बोला दोस्तों, थोड़ा सा पैसा तो आप लगा ही सकते हो, तो आप केवल 5 हज़ार रुपये लगा सकते थे, 10 हज़ार लगा सकते थे, 5,000 या 10,000 भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक छोटे से स्टॉक के लिए। छोटा है, ठीक है। तो कौन से स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होने वाला है मैं बताने वाला हूँ। ये आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, 9.99 के आसपास है। तो दोस्तों देखिए, इसका प्राइस क्यों इंक्रीज होने वाला है वो भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, क्यों इंक्रीज होने वाला है वो तो बात की बात हो गई, अब तो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, अब तो बात खत्म हो चुका है। तो अब मैंने कितने प्राइस पे बोला था, यहाँ पर देख सकते हो 9.99, अराउंड 10 रुपीज ही मान लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 रुपीज मान लेते हैं। और ये देखिए प्रूफ आप लोगों के सामने, स्टॉक का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है चार्ट को दोस्तों बहुत ही बारीकी से मैंने शेड किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 फरवरी है, मतलब आज का डेट 3 फरवरी को, ये जो भी मैं दिखा रहा हूँ ये आज का है, ठीक है दोस्तों। ये जो ग्राफ आपके सामने है वो एक दिन का है, ठीक है। तो एक दिन का यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, फिर 12 बजा, फिर यहाँ पर 3 बज चुका, 3 बजने के बाद मार्केट बंद हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 फरवरी है, यहाँ पर आपको टाइम भी दिखाया जा रहा है कि 9:27, अराउंड जो है 9:30 के आसपास इसका प्राइस कितना चला था, यहाँ पर देख सकते हो 10 रुपीज के आसपास, मैंने 9.99 मतलब कि दोस्तों 10 रुपया ही मान लीजिए, 10 रुपए के आसपास, ठीक है। और 10 रुपए का स्टॉक दोस्तों मैंने बोला था कि प्राइस इंक्रीज होगा, और यहां पर देख सकते हो दोस्तों 12 रुपए तक टच कर दिया, मतलब कि 20% का तेजी, वो भी एक दिनों के अंदर 20% दोस्तों। अगर 10% या 5% भी अपने हाथ में मिलता है तो लेके झट से बाहर निकल जाना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि हमें बैंक कितना देता है, 365 दिन में एक साल में कितना देता है, ओनली 5% ही देता है, 5% के आसपास आपको देगा। और स्टॉक मार्केट में अगर आपको एक दिन में 5% मिल रहा है तो आपको लेके निकल जाना चाहिए। 5% का बात छोड़िए, यहां पर आपको 20% मिल गया दोस्तों, 20%, अब क्या चाहिए आपको। और यहां पर सब आप खुद ही देख सकते हैं, आप अपने डीमेट अकाउंट में जाइए, ग्राफ को आपने सेट कीजिए, ग्राफ को सेट करने के बाद टाइम सेट कर लीजिए, डेट सेट कर लीजिए, उसका बाद यहां पर देख सकते हैं प्राइस ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा, इसमें फॉल्स का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और मैंने इस वीडियो में आपको टारगेट, स्टॉप लॉस, हर एक चीज ऐप को जो है पूरा क्लियर डेफिनेशन में बताया था कि आपको टारगेट क्या रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, सब कुछ बताया था, ठीक है। प्ले करके भी फिर से मैं आपको, देखिए वीडियो यहां तक प्ले किया था और फिर मैं वहां से ही प्ले कर रहा हूं इस वीडियो को। इसका प्राइस क्यों इंक्रीज होने वाला है वो भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। तो ऐसी कंपनी पे दोस्तों 20 साल से देखा जा रहा था कि इस पे कोशिश की जा रही थी कि इस पे जो टैक्स लगता है दोस्तों, और टैक्स के ऊपर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पे जो है ड्यूटी है कट करना चाहिए था। और दोस्तों फाइनली जो है टैक्स आया हमारा, दोस्तों जो बजट आया, बजट में इसको थोड़ा राहत मिला है। और दोस्तों 10 रुपये का ही शेयर है, तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा है 5% के आसपास जो है इसमें अपर सर्किट देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको तो यहाँ डायरेक्ट, पर देखिए दोस्तों, 5% के आसपास, 5 की जगह तो आप 10 ही रख लो, लेकिन 20% बढ़ा दोस्तों, तो आपका टारगेट तो मिल गया 5 या 10%, ठीक है, 5 या 10% आपको टारगेट भी मिल गया। तो आपको अगर उतना मिलता था तो लेके निकल जाना चाहिए, और था, और मैंने देखिए इसमें स्टॉप लॉस भी बताया था, एक बार देख लीजिए। बता दे रहा हूँ कि देखिए थोड़ा खतरनाक भी है। तो अगर आप ऐसे स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा दोस्तों जरूर एक दो स्टॉप लॉस के साथ आपको काम करना ही चाहिए। तो स्टॉप लॉस भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 9.75, ठीक है, 9.75। तो बस इतना में ये दोस्तों काम खत्म हो जाता है।
और चार्ट आपके सामने देखिए ऑलरेडी फिर से सेट किया गया है दोस्तों। मैंने कितना बोला था, 9.75, 75 का मतलब दोस्तों यहाँ इधर ठीक है 80 के आसपास ठीक है। और दोस्तों ये स्टॉक में गिरावट हुआ ही नहीं, ये स्टॉक धर 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 चढ़ना स्टार्ट किया, चढ़ने के बाद फिर इसमें गिरावट आया, तो उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए जो भी था दोस्तों प्रॉफिट में था। फाइनली जो है अभी मार्केट बंद हुआ है 9.65, तो स्टॉप लॉस था, आपको प्रॉफिट भी मिला, टारगेट भी पता था, सब कुछ पता था, तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इसका बात खत्म हो गया, अब इसमें ज्यादा खरीदारी मत कीजिएगा ठीक है। तो जो प्रॉफिट निकल चुका है वो निकल चुका। और दूसरा शेयर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो हमारे YouTube चैनल में आपको एक दिन पहले तो बताया गया था, आज के डेट में भी प्रॉफिट है लेकिन आने वाले फ्यूचर में भी आपको प्रॉफिट होगा ठीक है। तो यहां पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कौन सा वीडियो है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कौन से शेयर पर देखिए सरकार ने जो भी लिया, मानता हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट ने बजट में जो भी लाया उसके वजह से मार्केट को ज्यादा वो अच्छा नहीं लगा ठीक है, जो भी है फेवर में नहीं आया। लेकिन दोस्तों कुछ तो ऐसे कंपनी है, कुछ तो ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया है जिनके फेवर में टैक्स आया होगा, क्या आपने इस चीज को सोचा कि ठीक है मेरे लिए वो बाजार के लिए जो भी है दोस्तों मार्केट के लिए डिसएडवांटेज है, लेकिन मेरे लिए एडवांटेज हो सकता है अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करूं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू पर मैंने दोस्तों ये वीडियो बनाया था और आज के डेट में दोस्तों आप प्रॉफिट देख सकते हो धमाकेदार। तो वो कौन सा शेयर था वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको डेट दिखा देना चाहता हूँ कि मैंने एक दिन पहले बताया था या नहीं बताया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल है जहाँ पर आपको एक दिन बाद बताया जाता है, एक दिन बाद तो आप भी बता सकते हो, अगर एक दिन पहले पता रहेगा तब तो आप खरीदारी कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट जो है आप जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डेट दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखिए 2 फरवरी को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, आज है 3 फरवरी ठीक है दोस्तों, और मैं आपके सामने वीडियो प्ले करता हूँ ताकि आपको बिलीव हो जाए। थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ, देख सकते हो 554 रुपये चला ठीक है, 554 रुपये जो है अभी इसका करंट वैल्यू चल रहा है। और दोस्तों आने वाले दिनों में यही कंपनी जो है एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देगी और इसी कंपनी का जो है दोस्तों प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर आपने नहीं खरीदा तो मैं तो बोलूंगा कि दोस्तों ऐसे कंपनी को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी कंपनी को हम खरीदते हैं तो प्राइस देख के नहीं वजह देख के खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने आपको साफ साफ बोला कि ऐसी कंपनी को खरीद लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जब मैंने बोला था तो कितना प्राइस चल रहा था, 545 चल रहा था। अभी और वीडियो आपके लिए प्ले कर देता हूँ। प्राइस तो हर एक मिनट में फ्लक्चुएट होते रहता है जब मार्केट ओपन रहता है तो, लेकिन दोस्तों वजह मतलब एक गोल जो रहता है ना, हमारा जो टारगेट रहता है वो एक ही रहता है, वो गोल तक पहुंचने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ये होता है लाइफ, इसको बोलते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये स्टॉक में जो है दमादम पैसा लगाना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर देखा दोस्तों मैंने साफ साफ बोला कि इसमें जो है आपको दमादम प्रॉफिट मिलेगा, आपको खरीदारी करना चाहिए। जब मैंने बोला था कितना प्राइस था, यहाँ पर देख सकते हो 545 था, और मैंने आपको यहाँ पर डेट भी दिखा दिया, तो मैंने आपको प्रीवियस डेट दिखाया, प्रीवियस प्राइस दिखाया, आज का डेट तो आप देख ही सकते हो दोस्तों अपने कैलेंडर में या मोबाइल में, लेकिन आज का करेंट वैल्यू भी आपको दिखा देना चाहता हूँ स्टॉक का क्या हाल है। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने महिंद्रा एंड महिंद्रा, देख लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिसमें गिरावट हुआ लेकिन दोस्तों इसमें अभी पॉजिटिविटी है। यहाँ पर देख लीजिए आज का हाईएस्ट कितना हमारा वो भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, 565 तक गया है, 565 तक गया है, और 558 अराउंड 560 के आसपास है। तो यहाँ पर आपको कम से कम तो 3% मिला, कम से कम तो 3% दोस्तों, 3% अगर आपको चाहिए, 3% अगर आपको चाहिए तो बैंक में कम से कम तो आपको 6 मंथ जो है आपका पैसा को डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा। अगर यहाँ आपको 2-4 दिन में मिल जा रहा तो क्या तकलीफ है भाई, अच्छी बात तो है, इससे ज्यादा और आपको क्या प्रॉफिट चाहिए। उसी तरह हमारी YouTube चैनल में आपको डेली वीडियो अपलोड करके बता दिया जाता है। आप चाहोगे कि आपको कैसे पता चले दोस्तों, अगर आपके पास सही से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा या आपने सही से सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है YouTube के, जिसका वीडियो आप ज़्यादा देखोगे वही आपके पास आएगा। तो वो मैं नहीं चाहता कि आप मेरा वीडियो ज़्यादा देखो, आप मेरे वीडियो तक कैसे पहुँचोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अपने यूट्यूब में जाना है, ये देखिए सर्च बार में यहाँ पर आपको सर्च मारना है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, यहाँ पर देखिए परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में डेली सर्च करता हूँ इसलिए आ चुका है। और यहाँ पर देखिए ये आपके पास आइकॉन आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ठीक है, यहां पर आने के बाद ये जो वीडियोस है दोस्तों आपको वीडियोस में जाना है, जैसे ही आप वीडियोस में जाइएगा यहां पर देख लीजिए आपको बता देगा कि 8 आवर्स पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया था, 8 आवर्स पहले देखिए इन्फोसिस का, इन्फोसिस को तो दोस्तों मैं आपको 650 के भाव से बोल रहा हूँ खरीद लो खरीद लो, आज के डेट में 800 होने वाला है, और आज के डेट में भी मैं आपको बोल रहा हूँ खरीद लो, 800 हो जाएगा तो आपके हाथ में नहीं आएगा ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लो दोस्तों मैंने कल ही फिर वीडियो अपलोड मारा, एक सप्ताह की कमाई जिंदगी भर की भरपाई, देखिए 19 आवर्स पहले, 20 आवर्स पहले, और फिर उसके बाद यहाँ पर सारा वीडियो आपके 4 डेज पहले, 5 डेज पहले, तो आपके सामने सारा वीडियो आ जाएगा आपके हाथ में। देखिए मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, चलना आप ही को पड़ेगा, मैंने आपको जो करना था वो बता दिया, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप ही को मेहनत करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता। उसी तरह मैंने दोस्तों आपको मेरे अपने वीडियो तक पहुंचा दिया, लेकिन आपको अगर पेपर ट्रेडिंग करना है तो आपको खुद करना पड़ेगा सारे वीडियोस के साथ।
अगर आप इससे भी अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो दोस्तों। हमारे पास ज्वाइन होने के लिए जो है पेड सर्विस है। बहुत सारे लोग जो हैं चाहते हैं कि पेड सर्विस ना ले, लेकिन दोस्तों हमारे पास जो है वो पेड सर्विस है जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको बता दिया जा रहा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि मुझे ट्रायल डेमो सैम्पल चाहिए, जो भी चाहिए आपको हमारे इंटरनेट यूट्यूब में अवेलेबल है। आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं दोस्तों, पेपर ट्रेड कर सकते हैं, प्रीवियस डेट देख सकते हो, प्रीवियस प्राइस देख सकते हो, आज के डेट में जो क्या प्राइस चल रहा है, क्या डेट है, वो सब कुछ आपके हाथ में है, आपको चेक करना। अगर उसके बाद अगर आपको हमारे साथ ज्वाइन होना है तो दोस्तों ये जो परमानेंट व्हाट्सएप का नंबर है, ये नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप में एसएमएस कर सकते हो। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा।